गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सीखेंगे ओ। आपके लिए बहुत आसान है क्योंकि आपने आ सीख रखा है। आ से आम आप पहले से जानते हो। कैसे किया था? ऐसे तीन बिंदी, फिर यहाँ से तीन बिंदी, इसके बीच से एक छोटी सी परी रेखा, एक खड़ी रेखा, उसके ऊपर परी रेखा और एक और खड़ी रेखा। यहाँ तक आप सीख चुके थे आ। बस आ में ये वाली जो खड़ी रेखा है जो बाद में हमने लगाया, इससे इस तरफ एक तिरछी रेखा, जैसे एम में हमने किया था, एक तिरछी रेखा खींचेंगे और इसे फूल बनाएंगे। इस बार भी हम वही करेंगे जो एम में किए थे। जिस तरफ हमारा ये बायां हाथ है उसी के तरफ ये फूल बनाएंगे। तो ये हो गया ओ। अ में ओ की मात्रा, ओ से ओखली, ओखली जिसमें हम लोग कुछ भी कूटते या पीसते हैं। फिर से देखिए, तीन बिंदी, एक और तीन बिंदी, छोटी एक परी रेखा, खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा और ऊपर एक परी रेखा। आ में ये जो खड़ी रेखा है इससे यहाँ तक एक तिरछी रेखा और इसे फूल बनाएंगे। इस तरह ये हो गया ओ। ओ से ओखली। अ में ओ की मात्रा, तीन बिंदी, फिर यहाँ से तीन बिंदी, छोटी परी रेखा, एक खड़ी रेखा, एक और खड़ी रेखा, ऊपर एक परी रेखा। ये बाद वाली खड़ी रेखा से लेके यहाँ तक एक छोटी सी तिरछी रेखा। इस तिरछी रेखा को अपने बाएं हाथ की तरफ, जैसे ए में हमने मोड़ा था वैसे मोड़ देंगे। ये हो गया ओ। ओ से ओखली। एक लाइन में हम चार लिखते हैं, इसलिए एक और अभी लिख सकते हैं। ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे, यहाँ से ऐसे और इसको ये। इसमें भी हम वो गलती नहीं करेंगे कि उस तरफ मोड़ेंगे, इसको भी बाई तरफ ही मोड़ेंगे। इस तरह हम देख रहे हैं ओ से ओखली, और इस एक लाइन में चार बार ओ लिख सकते हैं हम। इस तरह एक लाइन में आप चार अक्षर लिखो और इसे एक पेज में पूरा लिख जाओ। आप ये मात्रा है, आप देखो, ये अ हुआ, ये अ है। अ से अनार आपने पढ़ा है। इसमें आ की मात्रा हम डालते हैं तो आ बन जाता है आ से आम। अब हम इसमें जो ये मात्रा डाल रहे हैं, ये ओ की मात्रा है। इस मात्रा को जो आज हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसे बोलते हैं ओ की मात्रा। तो यहाँ तक करने के बाद यहाँ से यहाँ एक तिरछी रेखा और एक फूल बनाते हैं। इस तरह से आपको आ बनाने के बाद इसके ऊपर एक फूल बनाना है जो बाईं तरफ हो। ये हो गया ओ। आ में ओ की मात्रा, ओ। ओ से ओखली। मुझे लगता है कि आप अवश्य सीख चुके होंगे ओ। थैंक यू।